वीकेंड आता है ना फ्रेंड्स, तो समझ में नहीं आता कि क्या बनाया जाए। रोज रोज वही रोटी और सब्जी। तो आज मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन लाई हूँ। आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन बहुत ही फेमस रसम वड़ा। ओहो, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस, परफेक्ट है हमारी हल्की हल्की सी सर्दी के लिए। इसे चाहे आप सूप की तरह पीजिए, चावल के साथ खाइए या फिर वड़े के साथ। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को इंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका और राधिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए। रसम वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे रसम का मसाला। वैसे तो मार्केट में भी रसम का मसाला आता है, लेकिन जो घर पे बनाने का असली उसका फ्लेवर आता है ना रसम वड़ा में, वो अलग ही है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी क्रशर ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप मिक्सी में भी इसको कर सकते हो। मैं इसमें डाल रही हूँ पहले 4 लहसुन, इस तरह से मैंने छिलके समेत ले लिए थे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी फ्रेंड्स प्याज, इस तरह से मोटा मोटा काट लिया था। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी साबुत धनिया के बीज, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी जीरा। अब इसको किसी भी क्रशर से इस तरह से हम पीस लेंगे, बहुत बारीक नहीं, बस हल्का सा दानेदार। इसमें फ्रेंड्स मैं एक चीज डालना भूल गई, ये है साबुत काली मिर्च, जिसके बिना हमारा रसम बहुत ही इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसको डालना मत भूलना, जैसे मैं भूल गई थी। तो इसको हम पीसेंगे, ये देखो इस तरह से हमारे पास रसम का मसाला रेडी हो गया। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं रसम कैसे बनाना है। रसम बनाने के लिए फ्रेंड्स एक कढ़ाई में मैं लूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हो। ठीक है, इसमें मैं डालूंगी थोड़े से करी लीव्स, थोड़े से मस्टर्ड सीड, छोटे या बड़े आप कोई भी डाल सकते हो, मैं छोटे वाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा अच्छा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी दाना, थोड़ी सी उड़द धुली दाल जो हम नॉर्मली घर पे यूज करते हैं ये वाले। इसको हल्का सा स्टर करेंगे। आज हम बिल्कुल ऑथेंटिक वे से बनाएंगे रसम। वैसे रसम जो है बहुत तरीके से बनाई जाती है, नींबू की रसम होती है, टमाटर की रसम होती है, लेकिन आज हम जो ऑथेंटिक वे है, मतलब जो रियल है, वैसा बनाएंगे। ठीक है, हल्के से क्रैकर होने लगे, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी साबुत लाल मिर्च, आप चाहे तो छोटी वाली भी डाल सकते हो। अगेन इसको हल्का सा स्टर करेंगे और थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। अगेन इसको स्टर कर रहे हैं। अब साथ ही फ्रेंड्स इससे मैं डाल दूंगी ये जो हमने मसाला रसम मसाला कूट के रखा था, इसको हम 1 मिनट तक सौते करेंगे, क्योंकि प्याज अदरक लहसुन ये तीनों ही हमारे कच्चे हैं, ताकि अच्छे से ये भून जाए। ठीक है, अब रसम जो है सारा खेल इसमें फ्लेवर्स और अरोमा का है, तो जितने भी ज्यादा फ्लेवर्स डालोगे उतना रसम हमारा स्पाइसी टैंगी बहुत बढ़िया बनेगा। अब गैस का फ्लेम मेरा इस टाइम मीडियम है, तो बहुत ज्यादा हाई मत रखना। इसको सिर्फ 1 मिनट तक हम सौते करेंगे। 1 मिनट बाद फ्रेंड्स इसमें मैं डालूंगी टमाटर, ये 2 टमाटर है, मैंने इसको छोटा छोटा चॉप कर लिया था। ठीक है, इसको डालने के बाद साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कुछ धनिया के पत्ते, इसमें मैंने धनिया की डंडियां भी यूज करी है, वो जरूर डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 टीस्पून सॉल्ट, नमक आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, नमक डालने से क्या टमाटर हमारे गल जाएंगे, ठीक है, सॉफ्ट हो जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स इसमें मैं डाल दूंगी बहुत ही टैंगी फ्लेवर देने के लिए, इसमें ये मैंने थोड़ी सी इमली ली थी, मतलब आप समझ लो 1 टेबलस्पून, उसको गर्म पानी में भिगो दिया 15 मिनट और उसको पानी डाल के अच्छे से छान लिया, तो इस तरह से मैंने एक उसका वाटर सिरप बना लिया। ठीक है, ये भी मैं डाल रही हूँ इसमें। साथ ही फ्रेंड्स इसमें मैं डालूंगी ये है हमारी तूर की दाल, ये थोड़ी सी दाल है, मैंने सीटी लगवाई थी, मतलब पहले भिगो के फिर इसको नॉर्मल जो हम अरहर की दाल तूर की दाल भी बोलते हैं उसको मैंने बनाया था नमक और हल्दी डाल के, तो ये वो वाली दाल है। ठीक है, इसको भी डाल देते हैं इस तरह से। अब इस सारे मिक्सचर को फ्रेंड्स 5 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ताकि टमाटर भी हमारे गल जाए और सारे मसाले आपस में रच जाए। इसको ढक के रख देते हैं। ये लो जी 5 मिनट हो गए, लेट्स सी हमारे टमाटर जो है कितने भूजे हैं। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसी बीच फ्रेंड्स इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी देगी मिर्च, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा, और थोड़ी सी हल्दी, हल्दी बहुत ज्यादा मैं यूज नहीं कर रही, बस 2 से 3 पिंच। अगेन इसको मैं स्टर करूंगी और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 5 से 6 कप पानी। वैसे रसम फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पतला होता है, एज ए सूप की तरह ही इसको मतलब पी भी सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो, तो कितना पतला रखना है ये आपके ऊपर है। अब इसको मिक्स करके अराउंड हम 10 मिनट तक, मतलब 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि अच्छे से जितने फ्लेवर्स हमने डाले हैं वो सारे हमारे इस रसम में आ जाए। अब इसको ढक के रख देते हैं। ये लो जी
10 मिनट हो गए हमारे रसम को पकते हुए, लेट्स सी हमारा रसम कैसा हुआ है। ओ माय गॉड, इतना बढ़िया खुशबू आ रही ना फ्रेंड्स किचन में, मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, अब जो रसम होते हैं फ्रेंड्स, हमने खटास के लिए इसमें इमली डाल दी, तो हल्की सी इसमें मिठास भी होती है, तो उसके लिए मैं डालूंगी थोड़ा सा गुड़। वो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अगेन इसको गुड़ डालने के बाद 1 मिनट पकाएंगे, लेकिन उससे पहले साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च इस तरह से स्लाइस करी हुई, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बाद में थोड़ा सा अगेन डालूंगी धनिया, जो मैंने डंडियां भी साथ ही काट ली थी। ठीक है, इसको 1 मिनट फिर पकाएंगे और रेडी हो जाएगा हमारा रसम। फिर उसके बाद बनाएंगे अपने वड़े। ये लो जी, फाइनली हमारा रसम हो चुका है। ठीक है, अब इसकी कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से रख सकते हो, वैसे ये बहुत ज्यादा लिक्विडी पानी की तरह ही होता है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब इसको कर देते हैं साइड पे, करते हैं वड़े की तैयारी। वड़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 1 कटोरी उड़द धुली दाल ली है, इसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले ही भिगो दिया था, अच्छे से वॉश कर लिया और इसको मैंने अच्छे से छान लिया। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज जो वड़े हैं बाद में बहुत ज्यादा फ्लफी नहीं बनेंगे। ठीक है, छानने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी मिक्सी का ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम इसका बनाएंगे बहुत ही बढ़िया पेस्ट इस तरह से। पहले सारा हम इसमें डाल देंगे। अब इसको पीसने के लिए फ्रेंड्स हम पानी यूज नहीं करेंगे, मैं इसमें डालूंगी 1 आइस क्यूब। आइस क्यूब से क्या होगा, एक तो दाल का बैटर जब हम बनाएंगे वो पीला नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम मिक्सी को पीसते हैं, मतलब मिक्सी जब चलाते हैं तो वो हल्की सी गर्म हो जाती है, तो वो उसको भी रोकेगा, प्लस इसमें हवा वेपोरेट होगी जिससे वड़े जो है बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं होता, हल्का सा दरदरा ही होता है। ये देखो इस तरह से हमारे पास बैटर रेडी हो गया, ये हल्का सा दानेदार ही होता है फ्रेंड्स, और इस बैटर को बनाने में मुझे 3 आइस क्यूब्स लगे हैं। ठीक है, अगर क्वांटिटी आपकी दाल की ज्यादा होगी, अगर आप वड़े ज्यादा बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से आइस क्यूब भी ज्यादा ही डलेगी, इस तरह से थिक बैटर होगा। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, हल्का सा इस तरह से देखिए, ये हल्का सा दानेदारी है। ठीक है, पानी बिल्कुल भी यूज मत करना। अब इसमें मैं डालती हूँ कुछ अपने मसाले, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो, अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी अदरक चॉप करी हुई, आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हो। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी जीरा, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी करी लीव्स, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़े से धनिया के पत्ते, ये सारा चीजें डाल के हम करेंगे इसको मिक्स। अभी नमक नहीं डालेंगे इसमें, इसको लगातार हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक ही डायरेक्शन में, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज। ठीक है, इससे क्या होगा, एटलीस्ट 3 से 4 मिनट तक लगातार हम इसको घुमाते रहेंगे, ताकि इसका बैटर जो है बहुत ज्यादा लाइट हो जाए, हवा वेपोरेट हो, उतने ही हमारे वड़े जो है बहुत ज्यादा हल्के बनेंगे। नमक अभी मत डालना, क्योंकि उससे क्या है वो नमक पानी छोड़ देगा, जब हम फ्राई करने होंगे उसी टाइम पे इसमें नमक डालेंगे। लगातार इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे इस तरह से। अब इसको बीट करते हुए फ्रेंड्स मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये बैटर हमारा बहुत ज्यादा मतलब लाइट हो चुका है। अब पहचान कैसी है कि बैटर हमारा बहुत बिल्कुल परफेक्ट बना है, हम क्या करेंगे इस तरह से बाउल में पानी लेंगे और थोड़ा सा इस तरह से लेंगे और इसमें ड्रॉप करेंगे एक बॉल की तरह। अगर तो ये नीचे बैठ गया, डैट मीन्स हमारा बैटर अभी भी मतलब हल्का नहीं हुआ, अब ये ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब बैटर हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब इसी बीच में क्या करूंगी, पता चले हम नमक डालना भूल गए, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। ठीक है, अब मैंने ऑयल गरम करने रख दिया हुआ है, क्या करेंगे नमक तभी डालने जब ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो जाए, क्योंकि छोड़ना नहीं है, नमक जो है इन बिटवीन पानी छोड़ देगा, अगेन नमक डाला है। तो इसको मिक्सिंग करने के लिए मैं हाथ का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच भी यूज कर सकते हो, आप फेंटने के लिए भी हाथ का यूज कर सकते हो, क्योंकि हाथ से ज्यादा अच्छी हवा जो है एवेपोरेट होती है। जैसे ही 1 मिनट हो जाए हम इसके निकालेंगे बहुत ही बढ़िया वड़े, छोटे बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब ऑयल फ्रेंड्स मेरा अच्छे से गर्म हो चुके हैं, हम इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, इस तरह से बाउल में ऐसे उठाएंगे बहुत ही जेंटली। ठीक है, ये देखो इस तरह से जैसे जैसे डालते जाओगे ये फूलते जाएंगे। बनाना इसको लो ग्लेस पे है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिलीव मी ये रेसिपी ट्राई करके जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। कभी भी एकदम से गेस्ट आ जाओ और कभी समझ में नहीं आए कि क्या बनाए, तो ये बहुत ही बढ़िया, और मोर ओवर सर्दियां आ रही हैं तो गर्मा गर्म ये पी के देखिएगा, अगर आपको कोल्ड कफ भी हो तो रसम तो वैसे भी पी जाएगी इस तरह से। बहुत एकदम से इकट्ठे नहीं डालेंगे और अभी कड़छी नहीं मारेंगे, वो देखो अपने आप ही ये फ्लिप हो रहे हैं, हमें अभी टच करने की जरूरत नहीं है। ये देखो
अब इसी स्टेज पे हम करछी यूज कर सकते हैं और इसको धीरे धीरे बहुत ही जेंटली हिलाएंगे, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने, बस हल्के से, ठीक है। इसी तरह से सारे वड़े हम बना लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे अपने घर वालों को। अब इसी स्टेज पे सारे वड़े हम निकालेंगे फ्रेंड्स। बीच में गैस का फ्लेम हम मीडियम भी कर देंगे, ठीक है। सारे वड़े हम लो फ्लेम पे नहीं बनाएंगे, अदरवाइज इसमें घी भर जाएगा। और इसको निकालेंगे हम टिश्यू पेपर पे। तो फाइनली रेडी है जी हमारा रसम वड़ा। अब करें इसकी प्लेटिंग। किसी भी बाउल में डालिएगा गर्मा गर्म रसम, ऊपर से डालिएगा हमारे वड़े, और इतने सॉफ्ट बने ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हो, 2-4 दिन में खा भी सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं धनिया के साथ और इसको इंजॉय कीजिए। सी ये देखो कितना टेम्पटिंग लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आज ये रेसिपी घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।